Now today, welcome all, first of all, and today's class is a physics class, so most of the boys will be elated to hear this, and the topic is force and laws of motion. This is one of my favorite topics, and you won't believe this chapter is so interesting that you will really correlate with this. Correlate with this chapter, so you will be fine. And you will really enjoy this chapter. Bhave, I got your message. We will do that. Actually, I'm not having that sheet right now. I have made another sheet for you guys. I typed all the work on my own. So first of all, we will do this force and laws of motion. After that, we have to do both the assignments. The pending one also, and the new one also. Okay, because revision is must. So now, force and laws of motion. Dekho beta. This concept is interesting because सबसे पहली चीज ये interesting क्यों है? Because we are able to relate this with our surroundings. हम इसको अपनी surroundings से काफी ज़्यादा relate कर सकते हैं. Before I start the chapter, as I have already taken your physics class, मैं आपके physics class पहले ही ले चुकी हूँ. You must be familiar with some terms like rest, motion, object, right? ये आपको मालूम है. Clear है ना ये terms तो इसमें तो कोई problem नहीं है. फोर्स क्या चीज है? व्हाट इज फोर्स? दिस फुल चैप्टर इज डेडिकेटेड टू फोर्स एज वेल एज लॉज ऑफ मोशन. ओके, अब देखो बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है फिजिक्स के टर्म्स में, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज देयर, नेचुरली उस पे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. अब ये वर्ड हमने बहुत सुना है, फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. क्या चीज है एक्चुअली फोर्स? इज बेसिकली एनी काइंड ऑफ पुश और पुल. अगर हम उसको सिंपल एक नॉर्मल होता ना कि हाँ, एक हमने छोटे बच्चे को समझाना है, यस दिस इज पुश और पुल. ओके, अब आप सब मुझे कहोगे मैम वी आर नॉट स्मॉल किड्स नाउ, है ना, वी आर 9th स्टैंडर्ड, सो प्लीज टॉक, मतलब टीच अस समथिंग जो बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है, राइट? सो ऑब्वियसली पुश और पुल इज अ वेरी जनरल डेफिनेशन ऑफ अ फोर्स. नाउ वी विल पीप इनटू दिस डेफिनेशन एंड वी विल टेक आउट द एग्जैक्ट डेफिनेशन व्हिच रूल्स द साइंटिफिक वर्ल्ड. ओके, अब हम इन्हीं दो वर्ड से हम वो डेफिनेशन को डिराइव करेंगे. क्लियर बेटा जी? चलो, अब इसमें जो एक टर्म आपको दिमाग में रखनी है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन. मैं मोशन बोल गई, इट इज एक्चुअली फोर्स. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसमें ऑब्जेक्ट की मूवमेंट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. इसमें हमारी क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उस ऑब्जेक्ट को वी आर पुशिंग इट अवे फ्रॉम आर सेल्स, तो वो आपकी क्या हो गई? डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गई. व्हेन यू आर पुलिंग द ऑब्जेक्ट तो क्या हुआ? तब डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलग. मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज more very you know, it's a term which will more relate to the concept of force. Okay, ab ye jo force hai ye to aapne dekha hi hai ki har matlab practical aapke surroundings mein every time every activity mein it is going to be used. ye bahut sari activities mein use hota hai, jaise aapne koi cheez lift karni hai, you want to push the door, you want to you know then stretch the things, then you are lifting, you are keeping one load of books from one place to another. फोर्स है, ठीक है, इट्स अ फिनोमेना, नेचुरल सी बात है. ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ इफेक्ट्स ड्रॉप आउट करती है. द फोर्स इट एक्सर्ट सम काइंड ऑफ इफेक्ट्स. ये आप यू डोंट बिलीव कि एक सिंपल पुश और पुल जो है वो कितना सारा इफेक्ट जो है वो कॉज कर सकता है. ठीक है, अब फोर्स को देखो, हम देख तो सकते नहीं ना. कैन एनीवन सी फोर्स? नो, वी कांट सी फोर्स. लेकिन हम उसको सिर्फ जज कर सकते हैं विद द काइंड ऑफ इफेक्ट्स इट्स मेकिंग. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यस, इफ यू हैड टू मूव अ टेबल, ओके, आपको एक टेबल मूव करना था, इट वॉज एन एम्प्टी टेबल, यू डिड इट वेरी नाइसली, आपने उसको फटाफट पुश किया एंड इट जस्ट गॉट अवे. देन योर फादर केम, ही थॉट यार ये तो बच्चे के लिए बड़ा इजी काम हो गया. नो, आई हैव टू मेक इट डिफिकल्ट. तो व्हाट ही डज, ही पुट्स ऑन सम 5-6 बुक्स ऑन दैट. नाउ यू विल फाइंड दैट ऑब्जेक्ट, दैट टेबल टू बी मूव वेरी डिफिकल्ट, है ना. अब आप उसको लगेगा यार थोड़ी स्ट्रेंथ लग रही है मुझे मूव करते हैं. सो
क्या इफेक्ट आया कि आपको जब जैसे ही उस पे वेट बढ़ गया, आपका फोर्स जो था वो आपको ज्यादा लगाना पड़ा। सो मतलब क्या है कि फोर्स के इतने इफेक्ट्स होते हैं कि आप सिर्फ उसके इफेक्ट से जज करते हो कि हाँ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, ठीक है, आपके टेबल पे पड़ी है एंड फॉर द लास्ट वन वीक इट इज लाइंग ओवर देयर, ठीक है, इट इज लाइंग। क्या आपको लगता है कि वो बुक खुद से उठकर वहां अपनी प्लेस ऑफ जो उसकी स्टेशनरी पोजिशन थी उसको वो लीव करेगी एंड इट विल गो टू सम अदर प्लेस? नो, वी कांट एक्सपेक्ट, बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। वो खुद से फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकती। सो इट इज वी विल गो टू दैट प्लेस, वी विल पिक दैट बुक एंड कीप इट टू द अदर प्लेस। अब उस बुक ने क्या किया, अगर आप उसको देखोगे जस्ट बाय विजुअलाइजिंग, बुक की प्लेस चेंज हो गई, ठीक है। सपोज करो आपकी मम्मा ने चेंज कर दी एंड यू जस्ट केम, यू जस्ट सर्च्ड अप फॉर योर बुक ऑन द स्टडी टेबल बट इट वाज नॉट देयर, इट वाज देयर इन कबर्ड। तो क्या आपके दिमाग में ये बात आएगी कि बुक खुद गई होगी कबर्ड में? नो, यू ये थॉट तो आएगा ही ना कि हाँ मम्मा ने रख दी होगी, यस, या फिर मैंने ही रख दी होगी, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को उसने मूव कर दिया जबकि वो ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं सकता था। एक चेयर है, ठीक है, आपके सारे टेबल की चेयर है, वो आप सुबह स्कूल जाते हैं उसको वहीं पे छोड़ के आप जस्ट गो। इन द इवनिंग व्हेन यू कम एंड यू हैव टू डू योर होमवर्क, ओनली देन यू विल मूव द चेयर आउट, अदरवाइज खुद से तो वो नहीं करेगी ना। सो सबसे पहला जो इफेक्ट आता है फोर्स का वो यही है कि इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? इफेक्ट का सबसे जो एक फोर्स का एक इम्पैक्टफुल इफेक्ट है वो यही है कि भाई उसने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया। आशी, विल यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी? मैम, यस बेटा, हम कह सकते हैं जैसे कि सॉरी दोबारा बताओ, एनीबडी एल्स कैन टेल मी? पृथ्वी, स्टेशनरी स्टेशनरी को ऐसा कर सकते? हाँ हाँ बताओ बताओ। An object that does not move. Yes, which is at rest. ठीक है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। Yes, good भव्य। So दूसरा आप लोग like an object. Yes, yes. अब बेटा देखो, हम लोग खेलते हैं, we play. Suppose we are playing with a ball and someone has rolled a ball towards you. So what you do? You just put your hands in front of that ball. और वो बॉल रुक जाती है। यस, दिस इज व्हाट हैपेंस। और वी कैन से आप कार में यू आर गोइंग एंड एकदम से कोई काओ या कोई डॉग, स्ट्रे डॉग एकदम से कार के फ्रंट में आता है, तो व्हाट योर फादर डज, ही अप्लाइज अ ब्रेक विद अ फोर्स, यू नो, फोर्सफुल ब्रेक। सो इसका क्या मतलब बना कि फोर्स हैज दैट कैपेसिटी टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तो जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट को आप रोक रहे हो उसके लिए क्या चाहिए? यू नीड अ फोर्स। सो दिस इज अनदर इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, it can stop a moving body, then it can change the speed of a moving body. You must have sabke sab cycling to karte hi ho, yes, everyone does, I know. So aap dekho, jab aap cycling kar rahe ho, when you are very relaxed mood, you won't, you know, you would just pedal very lightly, but as soon as you listen to the barks of a dog, speed increases. So where is that speed coming from? They're coming from the muscular force jo aap apne legs se laga rahe ho. So that means, yes, this is another effect. That force can change the speed of a moving body. Aap moving body ki speed badha sakte. Theek hai? Clear hai, beta? Yes? Then, you can change the direction. Yes, ma'am. Aap direction kaise change hoti hai, beta? Simply, aap mein se cricket kaun khelta hai? I think most of you must be playing cricket or you must have seen cricket. So when a ball is coming, जब एक बॉल आती है, इट इज कमिंग स्ट्रेट, यस स्ट्रेट आती है, लेकिन जो बैट्समैन खड़ा है, इट द पर्सन इज स्टैंडिंग विद द बैट, व्हाट इट डज, इट अप्लाइज सम फोर्स एंड चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। यस, द डायरेक्शन ऑफ बॉल क्या है, चेंज हो गई। सो दैट मीन्स फोर्स हैज दिस मैजिक ऑल्सो, दैट इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब आप देखो, इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग इन अ कार। आप जब स्ट्रेट जा रहे हो ना, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, whosoever is driving, be it your father or mother, वो आराम से रिलैक्स होके बैठते हैं, बट वेन दे हैव टू टेक अ टर्न, लाइक राउंड अबाउट पे जाना है या देयर इज अ टर्न, सो दे विल अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स, ओनली देन अ कार विल मूव।
will take a turn. Otherwise, वो turn नहीं ले सकते without applying the force. You have to give that turning effect. और ये हमने किया था ना motion chapter में कि जब आपको turning effect देना है, you need to be supplying a constant force. क्योंकि वो direction change हो रही है. Clear हुआ बात? So इसका क्या मतलब बना कि हमारी जो force है, it has that magical power that it can change the direction of a moving body. Clear बेटा? Next. I think in the childhood days, everyone must have played with clay. Yes? Hana? So, clay ko hum kya karte hain? We just squeeze it. We just turn it into some objects of beautiful shapes. So, iska kya matlab bana? Ki humne kya kiya? With applying force, we are able to change the shape and size of the body. More practical, you must have seen your mother make chapatis. She takes a small roll, hana? Dough ka small sa roll lete hain. Makes it a circle, then flattens it with her hands, then rolls it with the rolling pin. So then it forms a very thin layered chapati. So shape changed, size changed. So because of force. Yes. So now you have seen the magical power of force. Can anyone repeat? Yes. Anshu, you will repeat it for me. Yes, beta. What are the effects of the force which are being produced? Yes, beta. Number one. It can move a stationary body. Yes. Ma'am, can stop a moving body. Yes, very good. Change the speed of the moving body. Yes. Bilkul. And next. Change the direction. Yes, very good. And change the size and shape. Yes, size and shape of the object. So now you have seen. Yes, Prithvi. Ma'am, nothing. Okay, fine. Now, beta, one thing I want to tell you. Dekho, beta, jab hum force ho, we apply it in the direction of motion. Matlab, direction of force and direction of motion, they both are in the same direction. You're getting my point? I'm saying direction of motion. Suppose an object is like, is moving like this. Okay? And then again, we are applying some kind of force. And that force ki jo direction hai, wo bhi isi direction mein aayegi. To speed jo hai, wo hamesha increase kar jayegi. Yes, clear hui baat? Jaise, for example. Ek baar dobara batana. Sure, beta. Maine ye bola, if an object is moving in a particular direction, okay, that will be termed as direction of motion. Hum usi direction mein force apply kar de, matlab direction of motion. And direction of force, they are the same. Okay, so speed aapki increase karegi. Iska chota sa example hai. When you are doing cycling and someone pushes you from behind, ya fir jab aap swings mein baithte hain, theek hai? Swings mein jab baithte ho, peeche se aapko dhakka lagate hain. So that is direction of motion aapka jo hai aur direction of force jo hai wo same ho gaya. So that swing, it will go more far away. Isi tarah se aap cycling kar rahe ho, someone pushes you from back, to kya hoga? Aapki speed increase karegi. Yes, लेकिन अगर हम direction of motion के opposite लगाते हैं direction of force, तो speed क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. Prithvi, can you repeat these two statements? Yes, Prithvi. Yes, ma'am. Okay, बेटा, please repeat. Ma'am, if force is applied on an object in a particular direction, yes, then its direction of in its direction of motion, then its speed increases. And if force is applied in the opposite direction, the speed decreases and it eventually comes to a stop. Okay, fine. Now, Bhavik, can you give me some example to support my statements? Yes, Bhavya. Ma'am, if we push a child on a swing, then his speed will increase and it will get faster. Yes. And if we will apply the force in the opposite direction, like we hit a ball, its speed decrease. Yes, its speed will decrease automatically. Yes. Now, beta, I want you to. Now we will conclude to our more scientific definition of force. Hai na? Ab hum force ki ek particular, ek physics ke terms mein jo definition honi chahiye, besides your push and pull. So, now force is an influence.
ठीक है बेटा, इट इज एन इंफ्रेंस विच, एक सेकेंड बेटा, यस यस, सो आई वॉज टेलिंग यू गाइज दैट फोर्स जो है इट्स एन इंफ्लुएंस विच टेंड्स टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन, यस, और स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी, क्लियर, यस, और विच टेंड्स टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, और विच टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इस डेफिनेशन में वी हैव इंक्लूडेड ऑल द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. क्लियर है बेटा, वैसे बेसिकली इट विल रिमेन पुश और पुल, बट अगर हमें इसको साइंटिफिकली डिफाइन करना है तो वी कैन डिफाइन दिस थिंग. लेकिन इसके जो मोर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन जो हमें मिली थी वो हमें लॉज ऑफ मोशन से मिली, हमें सर न्यूटन ने दी, और वो हम अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे तो वी विल बी गेटिंग टू नो कि हमने उसको कैसे डिफाइन करना है. ठीक है बेटा, यस बेटा, सी देखो, आई हैव टेकन आउट एन इमेज जस्ट टू सी यू कि शो यू द काइंड ऑफ इफेक्ट्स जो फोर्स है वो जनरेट करता है. देखो बेटा, इफ वी आर पुशिंग द बॉल, अगर हमारे हाथ में वी हैव अ बॉल एंड वी वांट टू प्ले विद इट, सपोज वी आर प्लेइंग, तो हम क्या करते हैं, वी आर एक्चुअली पुशिंग द बॉल. तो हमने क्या किया, एक जो स्टेशनरी बॉल थी वी सेट दैट बॉल इन टू मोशन, तो वो क्या हुआ, इट विल स्टार्ट रोलिंग. लेकिन अगर हम उसकी डायरेक्शन, यहाँ पे ये देखो आप बेटा, जो मैं आपको दिखाना, ये देखो, ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन. जब ये दोनों चीजें सेम हैं, तब आपका मोशन स्पीड क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी. बट वेन इट इज द डिफरेंट केस, ये देखो, ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गया, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है. So obviously effect will be कि इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इतनी डिक्रीज हो जाएगी कि इट मे स्टॉप. यस, बट इफ आई वॉन्ट टू चेंज द डायरेक्शन, हम एक एंगल पे रख लेते हैं, ठीक है, एंगल प्रोवाइड कर देंगे तो वो डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाएगी. इफ आई वॉन्ट टू स्क्वीज, या फिर मुझे सिर्फ उसकी शेप चेंज करनी है, तो हम उसको इस तरह से कर सकते हैं. राइट, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. यस, ये बेटा मैंने आपके लिए एक फिगर जो है, आई जस्ट सर्च्ड अप, इसमें बेटा एक ना बॉक्स है, ठीक है, इट हैज बीन पुट ऑन ग्राउंड. क्लियर बेटा, ग्राउंड पे वो बॉक्स रखा हुआ है. अब इस पे देखो आप किस तरह की फोर्सेस जो है वो एक्ट करती हैं. बिफोर आई स्टार्ट अप द न्यू सब टॉपिक, आई वॉन्ट टू शो यू दिस थिंग. ये एक बॉक्स है, ठीक बेटा, हमने इसे ग्राउंड पे रख दिया. सबसे पहली चीज जो एक्ट करती है वो क्या होती है, एक जो बॉक्स का जो वेट होता है, वेट मतलब कि जो अर्थ है वो उसको कितनी फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रही है, the force with which it is attracting that box towards itself, and that is called force of gravity. Yes, clear? अब इसके opposite, हर फोर्स का opposite कुछ ना कुछ होता है. हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी का opposite होता है बेटा फोर्स ऑफ रिएक्शन. ओके, हम इसको डिनोट करते हैं W के साथ, वेट, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर के साथ. अब सपोज मैंने यहाँ पे आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स, तो नेचुरल सी बात है बेटा, एक ग्राउंड और एक बॉक्स, इसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जरूर एग्जिस्ट करती है. आपने नोटिस किया होगा, फॉर एग्जांपल जैसे आपको वो किसी भी चीज को पुश करना है तो आपको थोड़ी सी पावर लगानी पड़ती है मिनिमम, राइट? जैसे सपोज करो वी हैव हम लगा लेते हैं वी हैव अ व्हीट फ्लोर बैग, ठीक है. अब एक जो छोटा बच्चा होगा वो नहीं उसको पिक कर सकता, लेकिन आप उसको बड़े आराम से पुश करके ले आओगे, क्योंकि योर फोर्स हैज इंक्रीज एज कंपेयर टू द चाइल्ड. सो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए होती है इन ऑर्डर टू स्टार्ट द मोशन. वो क्यों चाहिए होती है, जस्ट टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ जो अपोजिंग फोर्सेज होते हैं. उनमें से एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है फ्रिक्शन का.
ये हमेशा अपोज ही करता है, ये ऑपोजिशन पार्टी का बनता है, इसका कोई काम नहीं है, इसने हमेशा मोशन को अपोज करते रहना। तो आप अगर इस बॉक्स को मूव करना चाहते हो तो हमेशा ऑपोजिंग फोर्स से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी सो दैट हम इसको ओवरकम कर जाए। क्योंकि अब पृथ्वी आप एक बात देखो बेटा, मुझे आपने बताना है व्हाट आई वांट टू नो, यहाँ पे ये एक फोर्स है ठीक है और एक ये फोर्स है ठीक है। अब इसमें ये बताओ इनकी डायरेक्शन कैसी है, इज इट द सेम और इज इट डिफरेंट? डिफरेंट, ऑपोजिट। यस, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो दे विल गेट सबट्रैक्टेड, मतलब एक प्लस है तो एक माइनस है राइट। तो इसका मतलब मुझे इस अप्लाइड फोर्स को इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड मुझे उतना लेना पड़ेगा कि ये इससे ज्यादा हो जाए तभी बॉक्स मूव करेगा। लेकिन अगर मेरी अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है तो वो कभी अप्लाई नहीं करेगा ठीक है। दूसरा, अब मैं आपको जो बात बताना चाह रही हूँ वो क्या है, अब ये जो चीज है ये आपका एक मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इन इक्वल सिचुएशन विद फोर्स ऑफ रिएक्शन ठीक है बेटा। हमारा जो एक बॉक्स है उसका जितना वेट है उसकी इक्वलेंट है फोर्स ऑफ रिएक्शन, मतलब इन दोनों ने क्या किया एक दूसरे को कैंसिल कर दिया ठीक है। क्लियर हुई बात? ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स सपोज करो इनकी भी वैल्यूज इक्वल आ रही है, इनकी भी वैल्यूज इक्वल आ रही है। अंशु आप मुझे बताओ क्या ये बॉक्स मूव करेगा? विल दिस बॉक्स मूव? If my no, ma'am. Bhavya, can you give me reason? Where is Parth? Parth will give me reason. Yes, beta. Yes, ma'am. Anji, beta. I'm asking ki why this box won't move. Yes, Parth, Ashi, anybody can answer. Prithvi, if you know, you can answer. Ma'am, please repeat the question. I am asking, dekho beta, in this situation, this force of reaction and force of gravity, they are equal, but they are acting in the opposite direction. Okay, beta? Yes, very good, Bhavya. And applied force and force of friction, they are also equivalent in magnitude but in opposite direction. So will this box move? I'm saying ye dono aapas mein equal hai values lekin inke direction opposite hai. Isi tarah se ye bhi inki values equal hai lekin direction opposite hai. Kya ye box move karega? मैम अगर values मैम अगर unequal होती तो move करता, अगर equal है तो नहीं move करता। yes. हाँ, तो भव्य और पार्थ दोनों ने मुझे ठीक करेक्ट आंसर दिया दैट बिकॉज द फोर्सेस दे आर बीइंग कैंसल्ड आउट ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसिल ही कर दिया उन्होंने, सो हाउ कैन दे मूव राइट। ओके जी, तो चलो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज फोर्सेस को बेटा अब हम डिवाइड कर रहे हैं इंटू टू मेन कैटेगरीज। अब वो दो मेन कैटेगरीज क्या है बेटा? डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, हम ये कहते हैं कि जो हमारी फोर्स है वन ऑफ द फोर्स इज अबैलेंस्ड एंड द अदर इज अनबैलेंस्ड। नाउ एज द नेम इज सजेस्टिंग, बैलेंस मतलब जैसा बॉक्स हमने अभी देखा कि उसमें क्या रहता है बेटा, जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वट एवर द रिजल्टेंट फोर्स इज वो उस बॉडी पे जीरो आएगी। जैसे हमने अभी बात की, सपोज करो फोर्स अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द नेचुरल रिएक्शन, वो दोनों क्या है नॉर्मल रिएक्शन, वो दोनों कैंसिल आउट करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स वो कैंसिल आउट करते हैं, तो रिजल्टेंट क्या हुआ जीरो। ठीक है, जीरो हो गया, तो इसका क्या मतलब है देयर इज नो फोर्स एक्टिंग। सो बॉडी जो है वो अपनी पोजिशन ऑफ रेस्ट नहीं चेंज करेगी, वो अपनी पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं करेगी क्योंकि उसके ऊपर जो ऑलरेडी जो फोर्स था वही चल रहा है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा एंड हमें ऐसे लगेगा जैसे उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, क्लियर हुआ?
अब हम बात करते हैं अनबैलेंस की. अनबैलेंस में क्या होता है बेटा, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द, जो भी रिजल्टेंट होंगे दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं होगा. देयर विल बी सम काइंड ऑफ यू नो, किसी फोर्स की मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, चाहे वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की है, चाहे वो अप्लाइड फोर्स की है, व्हाटएवर, कोई ना कोई वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है. सो देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, प्लस इट कैन चेंज द डायरेक्शन आल्सो. क्लियर है बेटा जी? यस आशी, आपको समझ आ रहा है? यस मैम. ओके बेटा, क्लियर, गुड. अब बेटा जो बैलेंस, मैम. ओके बेटा, ठीक है जी. जो बैलेंस फोर्सेस है ना बेटा, मान लिया कि वो ठीक है, वो आपको कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं करते, वो सपोज करो कोई भी आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है. किसी और को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो मैम. यस मैम. हाँ जी, मैं देख. नो मैम, कनेक्शंस तो ठीक है बेटा. लेट्स सी. सो बैलेंस फोर्सेस, मैंने आपको ये कहा बिकॉज देयर, जो इनका रिजल्टेंट है वो जीरो है, सो दे वोंट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ मोशन और दे कांट स्टॉप द मोशन. सो वो, लेकिन वो शेप ऑफ द बॉडी जरूर चेंज कर सकते हैं. कैसे? डू यू रिमेम्बर, जैसे बलून अगर आप बर्थडे पे फुलाते हो तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनको प्रेस कर करके, स्क्वीज कर करके देखते रहते हैं. तो उसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, बलून मूव नहीं कर रहा है, उसको वो कहीं रुका भी नहीं है, मतलब इट इज देयर ओनली, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसकी शेप चेंज हो रही है. ठीक है, ऐसे ही आप वाटर बलून जब भरते हो तो जब आप उसको खेलो तो वो प्रेस हो जाते हैं, लेकिन ठीक है उनमें कुछ चेंज नहीं आता, फोर्स वो जो है वो बैलेंस्ड ही रहती है. अब ये माना जाता है कि अगर इनकेस कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो या कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा ना, वो लगातार मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल चला रहे हो, अगर हमने साइकिल को चलाते गए एंड इट विल कीप ऑन मूविंग, अगर हमारी रेजिस्टेंस ना हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो, एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस नहीं है, वो लगातार ही चलती रहेगी. बाइसिकल हो गई, कार हो गई, एक बॉल हो गई, अगर आप उसको मूव करा रहे हो अर्थ पे, क्या होता है, थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है वो बॉल. क्यों रुक जाती है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से उसकी एनर्जी सारी यूटिलाइज हो जाती है टू ओवरकम दैट. सो इस वजह से वो मोशन स्टॉप हो जाता है. लेकिन अगर ये चीजें ना हो तो ये मोशन जो है वो लगातार, इट विल बी मूविंग ऑन, वो ऑब्जेक्ट लगातार मूव करेगा. अब बेटा आते हैं हमारे लॉज ऑफ मोशन. देखो बेटा, इट वाज गिवन बाय सर इज़ैक न्यूटन. इनका जो बेसिक पर्पस था लॉज को देने का, दे आर थ्री इन नंबर लॉज, जो हमारे तीन लॉज हैं, और इनका मेन पर्पस था कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन को एक्सप्लेन करना. ठीक है, अलोंग विद, और इसका क्या इम्पैक्ट है बेटा, इट गिव्स अस अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फोर्स, इट एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड द स्टेट ऑफ मोशन, कि वो कैसा स्टेट ऑफ मोशन अचीव करेगा जब उसके ऊपर कोई फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है. सो ये इन लॉज ऑफ मोशन की इम्पोर्टेंस है. फर्स्ट लॉ की तो खासतौर पर इम्पोर्टेंस है. फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. अब इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा लॉ ऑफ मोशन? देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा जी, कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, एंड अ बॉडी इन मोशन, ठीक है, इट विल रिमेन इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, अनलेस, ओके, अनलेस इट इज कंपेल्ड by an external force to change its state of rest or of uniform motion. Ab now I am going to mark up the few words which are important in this. A body at rest, it will remain at rest. Okay. A body in motion will continue to be motion in a straight line with uniform speed until and unless it is It is compelled by some external force to change its state of rest or of uniform motion. Can anyone out of you tell me why they have included the word straight line motion? Yes, anyone? Why straight line? Motion can be two types of straight, yes, and circular. Very good.
So why they have not taken undertaken the circular word? Why not? Why they have just skipped that circular motion? Why is that? Can anyone tell me? Because in a circular motion, it will not move at uniform speed because it will turn and turn again and again. Yes, very good. And in that case, some kind of force is required. Okay, so in that case also, a force is being used to change the direction. That is why they have considered the word straight line. Okay, beta, I hope everyone got that. So, ye jo law hai, beta, it is describing the behavior of bodies which are in a state of rest or of uniform motion in a straight line. So, jab bhi aapne ye law likhna hai, straight line ko mat bhulna. Okay, otherwise it is equivalent to zero. Phir aapke law ki koi importance nahi hai. बिकॉज आपने मेन बात नहीं लिखी. अब ये जो लॉ है ना बेटा, इसने ये चीज को माना कि एवरीबॉडी हैज गॉट सम इनर्शिया. अब व्हाट इज इनर्शिया? अभी तो हम लॉज ऑफ मोशन कर रहे थे, फोर्स को समझा, अब ये नई प्रॉपर्टी आ गई. अब ये जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, क्या होता है कि इट इज अ टेंडेंसी. हर ऑब्जेक्ट की क्या टेंडेंसी होती है कि भाई आई वॉन्ट टू बी एट रेस्ट. इफ आई एम एट रेस्ट, आई वुड लाइक टू बी एट रेस्ट. इफ मूविंग, आई विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा हमेशा. अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, मतलब एक टेंडेंसी होती है एक ऑब्जेक्ट की, हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है. ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे समझेंगे. हम इसको ये लेते हैं कि इट्स अ प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो रेजिस्ट करता है कि भाई उसके अंदर चेंज मत लेके आओ, मेरी स्टेट ऑफ रेस्ट को मत चेंज करो, मेरे स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को मत चेंज करो. जितना ज्यादा इनर्शिया होगा, उतनी ज्यादा फोर्स चाहिए होगी ताकि हम उसके अंदर चेंज लेके आए. राइट, ओके बेटा. तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म जो इनर्शिया होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ टू पीपल आर सिटिंग और दोनों को कहा गया है कि उठ के भागना है आपने. Right, one of the person is 60 kgs and other person is 200 kgs. So who will run faster, 60 or 200? 60. Yes, क्योंकि उसका उसको जोर कम लगा उठने में. जो 200 kg का था, उसको पहले तो बहुत ज्यादा it needs to have that force to get up. उसको उठने के लिए इतनी force चाहिए. So inertia is directly proportional to the mass of a body. So overcome inertia and make a body move from rest, an external force has to be applied. ठीक है बेटा, clear हुआ? तो first law of motion को इसीलिए Galileo's law of inertia कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, सारी बात क्या हो रही है आपके state of rest की या state of uniform motion की. अब बेटा क्योंकि हमारे यहाँ पे motion और rest दोनों terms involved है, इसीलिए जो inertia है वो भी दो तरह का, inertia of rest and inertia of uniform motion. Inertia of rest मतलब जो object है ना, वो कहेगा भाई मुझे रेस्ट पे ही रहने दो प्लीज हमेशा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल बस में बैठे हो, आराम से बैठे हो, चिल कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हो, और ड्राइवर ने एकदम से कार स्टार्ट की, तो क्या होगा? आप एकदम से पीछे जाओगे. यस, क्यों जाओगे पीछे? क्योंकि आपकी जो बॉडी है, हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी. जो लोअर बॉडी है बेटा, वो फीट आपके बस के कॉन्टेक्ट में है. ओके, जैसे ही बस मूव करी, फीट तो आगे चल पड़े. अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि फीट कट गए, ऐसा नहीं होगा. सो योर अपर बॉडी अभी उस तक सिग्नल नहीं पहुंचेगी, यस आई हैव टू मूव, तो वो वहीं पे रुक गई. सो दैट इज व्हाई ये पीछे रहेगी, ये चीज आगे चलेगी. अब ऐसा हो तो सकता नहीं कि हमारी बॉडी को हम काट दें. ये तो एक इमेजिनेशन है आपको समझाने के लिए, एक जस्ट एक क्रिएटिव है थिंग कि हाँ आपको क्लियर हो जाए माइंड में, इसीलिए आप एकदम से पीछे गिरते हो. आप इसी तरह से अगर आप बैठे हो आराम से और आपकी स्कूल बस के आगे एकदम से रेड लाइट आ गई, तो ड्राइवर को रोकना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है आगे पुलिस खड़ी है. सो इट विल स्टॉप. सो जैसे ही उसने एकदम से ब्रेक मारी, व्हाट हैपेंस? यू टेंड टू मूव फॉरवर्ड. आप एकदम से आगे जाते हो. क्यों जा रहे हो? क्योंकि अपर बॉडी क्या है, वो तो मोशन में है, लेकिन लोअर बॉडी को फटाफट समझ में आ गया कि भाई रुकना है, तो वो रुक गया, लेकिन अपर बॉडी आगे जा रहा है. सो दैट इज व्हाई यू टेंड टू फॉल फॉरवर्ड. ओके, क्लियर बेटा? समझ में आया? यस Yes, ma'am. Okay. So, abhi, yes, just give me 2 minutes. Okay. Dekho beta. Yahan pe, I wanted to show you the balanced and unbalanced concept. Up in the first case, if you are able to see,
दोनों केस में यू हैव यहाँ पे भी हमारे पास थ्री पार्टनर्स हैं एंड थ्री पार्टनर्स हैं. यहाँ पे जो फोर्स लगी दैट इज 300 न्यूटन, यहाँ पे भी 300 न्यूटन. अब पृथ्वी बेटा, कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन बोथ द केसेस? इज इट द सेम और इज इट ऑपोजिट? ऑपोजिट. ऑपोजिट. सो ये 300 और 300 क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल हो गए. सो ये कहीं पे भी इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, है ना? ये टग ऑफ वॉर क्या चला गया? बैलेंस चला गया. नाउ बट व्हेन यू सी द नेक्स्ट, इससे नीचे वाला डायग्राम जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो थोड़ी से ज्यादा फोर्स लगा रहे एज कम्पेयर टू द राइट हैंड साइड. तो नेचुरल सी बात है कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है इट विल बी पुश टुवर्ड्स दिस. ये इसको अपनी तरफ खींच लेंगे, मतलब दे विल बी पुलिंग दोज थिंग. ये इसको अपनी तरफ खींच लेंगे क्योंकि ये वाली जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का ये कम है एज कम्पेयर टू दिस वन. यस, क्लियर हुआ? यस मैम. यस मैम. So we had अभी discussed that inertia is actually of two types, inertia at rest and inertia at of uniform motion, right? अब ये जो है आपने सबने छोटे होते टीवी पे भी देखा होगा या you must have done this thing कि अगर एक आप ग्लास टम्बलर लेते हो और एक कार्ड के साथ एक कॉइन रख दो, ठीक है? तो अगर आप सिर्फ कार्ड को फ्लिप करोगे तो कार्ड इट विल मूव एंड कॉइन जो है इट विल फॉल इन टू द ग्लास. अब व्हाई इट हैपेंस? क्योंकि ये जो कॉइन था इट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद योर हैंड. तो जो फोर्स अप्लाई हुई दैट इज देयर ऑन द कार्ड ओनली, सिर्फ कार्ड पे फोर्स अप्लाई हुई. तो जिसकी वजह से ये कार्ड जो था इट अंडरवेंट द मोशन, ठीक है, वो मोशन में चला गया. लेकिन कॉइन ही कुड नॉट गेट दो सिग्नल्स, उसको वो सिग्नल्स नहीं मिले और वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रह गया. क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है कि वो रेस्ट पे रहेगा. सो इसीलिए वो जो कॉइन है इट यू नो इट फेल इनटू द टम्बलर, वो टम्बलर में जाके गिर गया बिकॉज इट वाज इन रेस्ट. अब नीचे को सपोर्ट ही नहीं है, पहले तो कार्ड था तो वो कॉइन उसके ऊपर टिका हुआ था. अब कॉइन की क्या टेंडेंसी है, इसी तरह से कार्ड की भी ये टेंडेंसी है कि वो ऐसे ही रुका रहेगा हर वक्त. लेकिन हमने उसको क्या किया, वी जस्ट टॉस्ड इट. जैसे ही हमने उसको टॉस किया अब हम फोर्स लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कार्ड पे. वी आर नॉट टचिंग द कॉइन. कार्ड तो चला गया लेकिन कॉइन नहीं गया, इसलिए जब नीचे कोई सपोर्ट नहीं होगा तो इट विल फॉल इनटू द. क्लियर बेटा? सिमिलरली हमने अभी कार और बस का हमने किया था. ये देखो बेटा, ये आपको ब्रेक लगा. अब इसमें देखो क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू. ये जो लोअर बॉडी है बेटा इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी ऑफ योर. अब कार चल रही है, बॉडी भी चल रही है, ठीक है? लेकिन जब आपने सडनली ब्रेक लगाई थी कार रुक गई. अब यहाँ तक तो सिग्नल फटाफट आ गए, ये रुक गए, लेकिन ये जो ये नहीं रुकी. Why? क्योंकि it did not get those signals कि अभी रुकना है. It is an inertia of uniform motion. ये तो चलती ही जा रही है आगे. That is why you tend to yes, इसीलिए आप आगे की तरफ गिरते हो. Similarly, अगर एकदम से गाड़ी स्टार्ट होती है तो लोअर बॉडी तो मोशन में आ गई लेकिन ये वाली बॉडी जो है रह जाती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया इफेक्ट. क्लियर हुआ बेटा? सो बेटा हमारा जो बेटा हम जो लो अपर बॉडी है हम वो तो सीट के कांटेक्ट में है पहले फर्स्ट फिगर में. सॉरी, किसके कांटेक्ट में है? हम सीट के साथ फर्स्ट फिगर में. यस यस यस, डेफिनेटली सीट के साथ कांटेक्ट में है बट दैट अकाउंट्स फॉर योर लोअर बॉडी. आपकी सिर्फ अपर बॉडी आगे की तरफ जाती है. इफ यू रिमेम्बर, अगर आप जैसे कहीं खड़े भी हो तब भी ये चीज आगे जाती है, वो जो सिग्नल पहुंचा यहाँ तक. देयर इज अ टेंडेंसी टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन एवरीवेयर, ठीक है? स्टेट ऑफ मोशन में रहने की ही टेंडेंसी है. वहां पे क्या है टेंडेंसी? स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की है. तो वो बॉडी रेस्ट पे ही है लेकिन फीट जो है दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस. हमारी अपर बॉडी इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, वो लोअर लिम्ब के थ्रू कॉन्टेक्ट में है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट है उसका, इसीलिए उस तक वो मैसेज नहीं पहुंचता. ठीक है बेटा? क्लियर हुआ बेटा? हम लेकिन अगर जोर से लगेगी ब्रेक हम तो पूरा बंदा गिर जाएगा. कहाँ पे गिर जाएगा, कैसे? हम आगे को जैसे कि पिछले सीट पे बंदे बैठे हैं, हाँ जी, उसने वो लगाई नहीं हुई सीट बेल्ट, हाँ जी, ब्रेक जोर से लगी तो हाँ, तो आगे वो ही आ जाएगा पूरा. वो आएगा लेकिन अगर आप उसके मोशन की तरफ ध्यान दोगे तो पहले सिर आएगा. इट विल नॉट बी फीट, पहले पैर नहीं आएंगे कभी भी उसके, इट विल बी फीट.
ओह सॉरी हेड हेड आता है. अब आप कभी ध्यान दो, जैसे यू मस्ट हैव हर्ड सम, मतलब कोई भी एक्सीडेंट केसेस अगर हम ध्यान में करते हैं, डैशबोर्ड इंजरी होती है एक बेटा, उसमें क्या होता है आपका सिर लगता है जाके. सो व्हाई दैट, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो सारी बॉडी मोशन में है, लेकिन जैसे ही आपने कार की ब्रेक लगाई, फीट तो आ गए रेस्ट पे, लेकिन अपर बॉडी नहीं संभाल पाती, इसीलिए सीट बेल्ट लगाई जाती है कि अपर बॉडी अगर आगे जाते भी है तो सीट बेल्ट उसको रोक लेती है एंड इट टेंड्स टू मूव इट बैक. लेकिन यहाँ पे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ, हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं. हम अभी वो कार के फीचर्स आ जाते हैं बेटा, वो हमें अपनी सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए वी नीड टू डू दैट, है ना. ऑब्वियसली अब कई लोग तो बहुत स्पीडली चलाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके चलते हैं, बट अपनी सेफ्टी के लिए तो वी नीड टू डू. लेकिन यहाँ पे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी, बस हमारी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है अंडर द इम्पैक्ट, कैसे वो इनर्शिया कहाँ है. अब देखो आप एक एक टाइम पे दो इनर्शिया हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी आ गया और इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी आ गया एक ही साथ. आप ये देखो जो लोअर बॉडी थी वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे चली गई, लेकिन जो अपर बॉडी थी वो अभी भी इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में ही है. उसको रेस्ट में आने में टाइम लगा, क्योंकि जब तक वो मैसेज यहाँ तक पहुंचेगा वो रुक जाएगी, क्योंकि जब आप कॉन्शियस लेवल में बैठे होते हो तो आप अपने आप को संभाल लेते हो, राइट. एक्सीडेंट कैसे होता है, एकदम से सडनली, तभी उसको एक्सीडेंट बोलते हैं, राइट. तो सडन चीज जो है आप उस आपका तो उस पर कंट्रोल ही नहीं है, राइट. तो वो अनकॉन्शियस लेवल पे जब होता है, यू नो नो, जब आपको नोन होगा तो आप पकड़ के बैठोगे, ऐसे करके बैठोगे, यू विल बी लाइक दैट, ओके. नाउ बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इट्स इनर्शिया. एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन, एक ऑब्जेक्ट कभी भी अपनी मोशन चेंज नहीं करेगा until and unless it is acted on by an unbalanced force. एक unbalanced force जब तक उसके ऊपर act नहीं करेगी, वो अपना motion का तो change कर ही नहीं सकता. मतलब अगर वो rest पे है वो rest पे ही रहेगा, अगर वो motion पे है तो वो उसी motion पे हमेशा रहेगा at the same velocity. दूसरा बेटा, एक object है जिसके पास ज्यादा mass होगा उसके पास inertia भी ज्यादा होता है, मतलब उसको resist करने की tendency भी ज्यादा है. जैसे देखो यहाँ पे एक 300 केजी की बॉल है, एक 30 केजी की बॉल है, तो आप मुझे बताओ किसको मूव करना इजी है. 30 केजी को, नेचुरली 300 केजी को मूव करना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. आई थिंक आपको ये अब क्लियर हो गया है. यस हाँ जी बेटा, यस मैम, ओके, यस मैम, इट इज फाइन, ओके ओके. नाउ आई एम गोइंग टू